नमस्कार विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमए प्रीवियस की प्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रक्षेप के अंतर्गत एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप का निर्माण कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं वह एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, तो हम साथ में यहाँ प्रश्न के साथ ही उस प्रक्षेप की महत्वपूर्ण विशेषताओं की भी बात करेंगे। आज ये सबसे पहले हम देखते हैं, एक प्रश्न का उदाहरण के रूप में लेते हैं कि आरएफ एक अनुपात 150 मिलियन मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बनाइए, अर्थात 150,000,000, ये जो मापनी हमारी, इस मापनी पर हमें स्पष्ट दिया गया है प्रश्न में कि उत्तरी गोलार्ध और उसके मानचित्र बनाने के लिए एक लंब कोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना करनी है तथा इस प्रक्षेप में जो इंटरवल है वह 15 डिग्री रखना है। इस प्रश्न का हल करने के लिए हम सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वह पृथ्वी का अर्धव्यास अपॉन आरएफ और आरएफ का भी हर। तो जो पृथ्वी का अर्धव्यास है वह पृथ्वी का अर्धव्यास सेंटीमीटर में जब हम बात करते हैं तो 635, और यदि हम इंच में बात करें तो 250,000,000 होगा। तो आज चूँकि हमें अभी जो प्रश्न हल करना है वो हम अधिकांश सेंटीमीटर में हल करेंगे पृथ्वी का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो हम इस प्रश्न में पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो 635 लेते हैं। आरएफ चूँकि हमारे पास दिया हुआ है 1:150, तो हम यहाँ जब इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो त्रिज्या आंसर में आती है वह आती है 4.23 सेंटीमीटर। जब हमारे पास त्रिज्या ज्ञात हो जाती है उसका दूसरा जो स्टेप है वो देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। इनका चक्रीय विभाजन की सहायता से हम देशांतर रेखाएं ज्ञात करते हैं। चक्रीय विभाजन का तात्पर्य हम इंटरवल के आधार पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर 15 डिग्री के जो कि इंटरवल दिया गया, अगर प्रश्न में हमें 10 डिग्री का दिया होता तो हम 10 डिग्री के इंटरवल पर देशांतर रेखाएँ खींचते, लेकिन चूँकि प्रश्न में दिया गया 15 डिग्री तो हम 15 डिग्री के आधार पर चक्रीय विभाजन की सहायता से देशांतर रेखाएं ज्ञात करेंगे। तीसरा जो स्टेप है कि विभिन्न अक्षांश वृत्त जो हैं उनके हमें अर्धव्यास ज्ञात करने, और विभिन्न अक्षांश वृत्तों के जो अर्धव्यास ज्ञात करने का कार्य है वो हम एक सूत्र की सहायता से करेंगे जो कि एक हमें टेबल में मिलेगा, आर कोस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से आर का मतलब हो गया रेडियस, जो कि हमें पहले से हमने ज्ञात कर ली, वो आरएफ के आधार पर हमारी रेडियस आ गई। दूसरा कोस थीटा जो है, अगर इसके अलावा हम दूसरा सूत्र प्रयोग करते हैं तो वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। पर हमें यहाँ सुविधा के लिए जो उपयोग करना है वो आर कोस थीटा। अब हम जो अक्षांश हमारे पास है, इंटरवल जो दिया गया है उस इंटरवल के आधार पर हम सभी अलग अलग अक्षांश के लिए अलग अलग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न में आप देखिए 0 डिग्री के लिए चूँकि हमारी रेडियस जो आर है वो 4.23 है तो हमने 4.23 लिख दिया, अर्थात ये हमारा हो गया आर। और चूँकि कोस थीटा का जो मान है वो है 1, 0 डिग्री के लिए कोस थीटा का जो मान हम टेबल में देखेंगे तो वो आएगा 1, तो 4.23 को 1 से गुणा करेंगे तो 4.23 सेंटीमीटर ही रेडियस हमारी मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी। 15 डिग्री के लिए 4.23 रेडियस इंटू 0.9659, जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.08 सेंटीमीटर। 30 डिग्री के लिए 4.23 इंटू 0.8660, ये जो मान है ये ऑलरेडी हमें टेबल में मिल जाएंगे, लॉगरिथमिक टेबल होती है हमारी, उस टेबल में मान दिया होता है तो वहाँ कोस थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो जो 15 डिग्री
का हमने मान ज्ञात किया 4.8 सेंटीमीटर आ गया। 30 डिग्री के लिए हमने जो इसकी अर्धव्यास ज्ञात की विभिन्न अक्षांश वृत्तों की, वो 4.23 को 0.8660 से गुणा करने पर 3.66 आई। 45 डिग्री के लिए जब हमने बात करी तो 4.23 इंटू 0.7071 तो 2.99 आई। 60 डिग्री के लिए 4.23 इंटू 0.5000 उसका मान आया 2.11 सेंटीमीटर तथा 75 डिग्री 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लिए जब हमने देखा तो 4.23 इंटू 0.2588 तो उसका मान आया 1.09। ये जो मान है जो हमारे पास आया है गेंद के आधार पर हम अलग अलग अक्षांश वृत्तों की अर्धव्यास जो हमें मिल गई है उसके आधार पर हम वृत्त बनाएंगे। अब हम इसे बनाया कैसे जाता है, उसका डायग्राम कैसा है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, उस पर बात करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जो इस प्रक्षेप का नाम है वो है लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। और ये जो लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप है ये दो मान्यताओं पर आधारित है, दो कल्पनाओं पर आधारित है। पहली कल्पना है, चूँकि यहाँ प्रश्न में दिया गया है लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तो हम यहाँ पहली बात देखते हैं ध्रुवीय अर्थात प्रक्षेपण तल जो है वो ग्लोब के ध्रुव को स्पर्श करता है, इसलिए यहाँ ध्रुव शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो ध्रुवीय शब्द आया ये ध्रुवीय शब्द इंगित करता है प्रक्षेपण तल को, प्रक्षेपण तल कहाँ स्पर्श करता है, ग्लोब के ध्रुव को स्पर्श करता है। दूसरा लंब कोणीय जो शब्द है ये लंब कोणीय रिप्रेजेंट करता है कि प्रकाश स्रोत जो है वो ग्लोब से अनंत दूरी वाले किसी बिंदु पर माना गया है, ग्लोब पर नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जब आपके सामने एक प्रक्षेप का नाम आता है कि लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तो लंब कोणीय का तात्पर्य है कि प्रकाश की जो कल्पना की गई है वह अनंत दूरी पर की गई है, ग्लोब से बाहर किसी अनंत बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की गई है। ध्रुवीय उसका तात्पर्य कि जो समतल कागज़ है, जो प्रक्षेपण तल है जिस पर हमें प्रक्षेप बनाना है, वह ग्लोब के किसी ध्रुव को स्पर्श करता है। यहाँ प्रश्न में दिया गया उत्तरी गोलार्ध, इसका तात्पर्य यह है कि आपका जो प्रक्षेपण तल है वो उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करेगा। अगर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध लिखा हुआ होता तो इसका तात्पर्य हम ये लेते कि हमारा जो प्रक्षेपण तल है वो दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करेगा। तो आपको इस प्रश्न से कुछ चीज़ें स्पष्टतया समझ में आ गई होगी कि प्रश्न में एक RF होगा, उसके बाद तुरंत उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध मेंशन होगा। चूँकि जो लंब कोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप हों या चाहे नॉमोनिक खमध्य प्रक्षेप हों, कोई भी जो खमध्य प्रक्षेप हैं वो पृथ्वी के आधे गोलार्ध को ही बता सकते हैं, तो यहाँ हमें गोलार्ध लिखा हुआ मिलेगा, उससे हम उस गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप बनाएंगे। एक इंटरवल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इंटरवल हमेशा दिया हुआ होगा और उसी इंटरवल पर हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचनी हैं। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए जब भी आप सीट बनाएंगे तो आपको इस तरह से एक स्टेंसिल से बिल्कुल सुंदर लिखावट के साथ लिखना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लंब कोणीय को ऑर्थोग्राफिक, तो यहाँ हमने लिखा ऑर्थोग्राफिक, क्योंकि ये ध्रुव है इसलिए यहाँ पोलर और जेनिथल प्रोजेक्शन, तो इसका जो नाम है आपको इस तरीके से लिखना है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। उसके बाद एक तरफ आपको RF लिखना है, दूसरी तरफ आपको इंटरवल लिखना है। अब जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम से हमें बहुत सारी कुछ इसके गुण या इसकी विशेषताएँ कि हम इसे पहचाने कैसे, तो आप ये देखिए इसको पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि जितने भी अक्षांश वृत्त हैं वह अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय वृत्त हैं। जो अक्षांश वृत्त हैं वो संकेंद्रीय वृत्त हैं। जैसे इस केंद्र बिंदु से हम बाहर की ओर देखते हैं तो ये अक्षांश है, संकेंद्रीय वृत्त है। दूसरा अक्षांश है, ये संकेंद्रीय वृत्त है। तीसरा अक्षांश है, ये संकेंद्रीय वृत्त है। और ये अक्षांश कैसे खींचे गए, क्योंकि ये जो बिंदु है हमारा भीतरी बिंदु ये ध्रुव है, क्योंकि ध्रुव पर ही प्रक्षेपण तल रखा गया है, तो ये जो बिल्कुल भीतरी भाग है 90 डिग्री है। जब हम बाहर की ओर आएंगे तो अक्षांश वृत्तों का जो मान है वो कम होता जाएगा, अर्थात 90 डिग्री। उसके बाद जब 15 डिग्री का इंटरवल हमारा है तो उसका जो भीतरी वाला आएगा वह आएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री के बाद जो
उसके बाहर वाला जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री, उसके बाद वाला जो आएगा वह 45 डिग्री, उसके बाद बाहर की परिधि वाला जो भाग है वो 45 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 15 डिग्री। तो आप देखिए 90 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, 75 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 45 डिग्री। इस तरह से हम अलग अलग जो अंतराल है हमारा, उस अंतराल पर ये रेखाएं खींचेंगे। तो ये जो संकेंद्रीय वृत्त है, ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। कौन से संकेंद्रीय वृत्त हैं? अक्षांश वृत्त हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो केंद्र से बाहर की ओर जाने पर सभी अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी घटती जाती है। इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इनके मध्य की दूरी क्या होगी? घटती जाएगी। देशांतर की बात करें तो देशांतर आप देखिए कि समान कोण की दूरी के अंतर पर केंद्र से बाहर की ओर निकली हुई सीधी रेखाएं जो कि प्रत्येक अक्षांश को एक निश्चित कोण पर काटती है, अर्थात प्रत्येक अक्षांश को क्या कर रही है? एक निश्चित कोण पर काट रही है और वो कोण लगभग समकोण होगा। ये जो सीधी रेखाएं जो केंद्र से बाहर की ओर आ रही है, इन सबके मान हमने बाहर की परिधि की ओर लिखे हुए हैं। ये जो रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं जो केंद्र से बाहर की ओर, जैसे ये जो रेखा है, इस रेखा का मान ऊपर 180 डिग्री है, नीचे आप देखेंगे तो 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम आए 15 डिग्री, चूँकि हमारा इंटरवल है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 90 डिग्री, 105 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 165। ये जो मान है, ये इस तरफ का मान, चूँकि ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिम हिस्सा है, इसलिए पश्चिम लिखा हमने, वेस्ट लिखा। इस रेखा से, 0 डिग्री रेखा से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, ये जo मान है, ये चूँकि पूर्व का है इसलिए हमने यहाँ लिखा पूर्व। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब हम पोलर ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसकी जो बनावट है उसमें केंद्र से या ध्रुव से बाहर की ओर सभी निकलने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं वह संकेंद्रीय वृत्त होती है, और वह 0 डिग्री अक्षांश की तरफ केंद्र से बाहर की ओर आते समय धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से दूरी कम होती जाती है। देशांतर रेखाएं केंद्र से एक निश्चित कोण पर बाहर निकलती है जो कि अक्षांश को समकोण पर काटती है, एक निश्चित कोण पर काटती है। ये जो प्रक्षेप है ये न तो यथाकृतिक प्रक्षेप है और न ही समक्षेत्र प्रक्षेप है, परंतु इस प्रक्षेप से प्रत्येक दिशा में जो इसकी दिशा है वह दिशा शुद्ध होती है। हाल ही के कुछ वर्षों में आर ई हेरिसन नामक एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ए वार एटलस फॉर अमेरिकन्स नामक मानचित्रावली में इस प्रक्षेप का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया था। खगोलीय मानचित्रों के लिए भी हम इस प्रक्षेप का उपयोग प्रमुखता के साथ करते हैं। आज की वीडियो में हमने आज इस प्रक्षेप के बारे में समझा। आप अपनी पुस्तक के साथ देखते हुए, सहयोग लेते हुए इसे अपनी सीट पर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।